What's up, my YouTube family? I'm Sashikant here. I'm going to tell you that today something is new inspiration for you. Something is new, like how we did transition in our video, और भी आगे बहुत कुछ बात करेंगे. सबसे सिंपल और स्मॉल टिप्स के बारे में मैं बताऊंगा. प्लेस है ना मेरा बचपन का प्लेस है. यहाँ पे मैं बहुत टाइम पहले क्रिकेट खेला करता था जब मैं छोटा था हुआ करता था. और आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है ये खास होने वाला है क्योंकि बहुत लोगों को अभी तक है ना ट्रांजिशन के बारे में मालूम ही नहीं है कि वो लोग है ना ट्रांजिशन जो ऐप में इंस्टॉल होती है ना वो यूज करते हैं. बट यहाँ पे हम नेचुरल यूज करने वाले, तो किस तरह से हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो वो वीडियो में मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये वीडियो. तो सबसे पहला है सिंपल ट्रांजेक्शन जो है ना सब लोग यूज करते हैं. जैसे कि चलिए, तो पहला ट्रांजेक्शन है आपको ना कैमरे के सामने सीधा कैमरे पर हाथ डालने का. लाइक कैसे, अभी देखिए ये मैं कैमरे के सामने ऐसा हाथ डालूंगा और यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, तो जिससे क्या होगा आपका मेरे हाथों की वजह से ना ये कैमरा पूरा ब्लर हो जाएगा. और नेक्स्ट शूट आपको दूसरा लोकेशन करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं. चलो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ राइट नाउ, ये रहा यहाँ पे मैंने ऐसे टच किया, ओके हटा लिया. फिर से करता हूँ, ये रहा मैं यहाँ पे ऐसे टच करता हूँ. अब मैं जाता हूँ दूसरे लोकेशन पे, सेम पोजिशन पे हाथ हटा, हियर वी गो. तो मैंने क्या किया यहाँ पे सेम पोजिशन रखा, खाली कैमरे के सामने हाथ डाला, तो एक ट्रांजेक्शन हो गया जो हम नेचुरली बता सकते हैं. हमें किसी लाइक प्ले स्टोर से कोई ट्रांजिशन एड ऑन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम ट्रांजिशन अपने सिंपल टिप से कर सकते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट सेकंड ट्रांजिशन के ऊपर बताने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो पहला आपने समझ लिया होगा राइट, कैमरे के सामने हाथ डालना है, फिर जहां से आप दूसरी जगह चेंज करोगे वापस कैमरे के सामने हाथ डालकर अपने कैमरे को अपने हाथ को हटाना है. तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन कम्प्लीट हो गया यहाँ पर. हियर वी गो, तो हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरा ट्रांजिशन. दूसरा ट्रांजिशन का नाम है शेकी ट्रांजिशन. तो आप शेक करेंगे अपने मोबाइल पे और तुरंत जगह चेंज कर देंगे. चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने आ रहा हूँ. देखा हम यहाँ पे आ गए अभी. तब अब इसको आपको जाना है एडिटिंग टूल में. वहां पे आपको है ना अपने जब आपने पहला वाला जो शेक किया होता और दूसरा वाला जब शेक के पास अपने पहुंचा है तो उस वीडियो को है ना दोनों बीच में से गाड़ी आपको अपने मोबाइल को लेना है और थोड़ा सा होल्ड करना है इस तरह. जब आप मोबाइल को थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये शेकी ट्रांजिशन हो जाएगा और फिर जाके सेम पोजीशन पे आपको दूसरी जगह पे शूट करना है. और वही करना है जब आप एडिटर टूल में जाओगे, तो एडिटर टूल में जाने के बाद में दोनों के मिडल को लेना है और बाजू वाले को कट कर देना है. फिर वहां से आने के बाद में आपको सेम प्लेस पे खड़े रहकर ये वाला सेकंड ट्रांजिशन करना है. तो आपको शायद से पता चल गया होगा, अभी भी मैं मोबाइल हाथ से शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा है ना स्टेबलाइजेशन खत्म हो गया होगा, तो फिर भी आई एम गिविंग माय बेस्ट. ओके चलो नेक्स्ट ट्रांजिशन यूज करते हैं. और नेक्स्ट ट्रांजिशन के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अगला ट्रांजिशन कैसा हो. अब मेरा अगला ट्रांजिशन है, आपको है ना ऐसा मूव करना है, ऐसा मूव करना है और यही मूव से सेकेंड फेज पे जाना है. तो थर्ड ट्रांजिशन होगा साइड स्लाइडिंग ट्रांजिशन बोल सकते हैं आप. तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ. तो पहले मैंने मोबाइल को ऐसा पकड़ा हुआ है सिंपल वे में, आपको ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, ऐसा सिंपल करना है. और आप मैं भी सिंपल ही खड़ा हूँ, देख लो आप लोग देख सकते हैं सिंपल है. मैं जहाँ पे प्ले करता था बचपन में उस ग्राउंड में आया हूँ आज. तो दिखाता हूँ, मोबाइल को लिया पकड़ा, ये एक थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ. ओके शायद आपको बराबर मेरा व्यू मिलता होगा. मैंने मोबाइल को लिया है 1 2 3, तो हम जहाँ पे है ना सेकेंड प्लेस पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारा दूसरा व्यू दिखाना है 1 2 3. तो देखा हम यहाँ पे आ गए हैं, जो हमारा ये ट्रांजिशन था साइड लाइस वाला हम यहाँ पे पहुंच गए हैं. तो अभी हम बात करने चलो थोड़ी जगह पे, यहाँ पे धूप आ रही है. जैसा कि आपने साइड ट्रांजिशन देख लिया होगा कि मैंने कैमरा समझ लो मोबाइल है. ओके मान लो यार नहीं है तो क्या करूँ, एक ही मोबाइल है जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल है. मोबाइल को ये ट्रांजिशन में यहाँ पे लेके आया
मतलब आपको खाली घूमना है ऐसा है, यहाँ पे घूमा, सेकेंड लोकेशन चूज किया, सेम पोजिशन पे ले आके आपको ऐसा घूमना, बस दैट्स इट, यहाँ पे खत्म करना है आपको। फिर आपको अपने एडिटिंग टूल में जाना है, जब आप अपने एडिटिंग टूल में जाओगे वहाँ पे ना इनके लेफ्ट साइड वाले पार्ट को कट करना है और इनके राइट साइड वाले पार्ट को कट करना है, और जो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन होगा ना जब यहाँ पे मिडल में आएगा ना तो दोनों को ऐड कर देना। जब ऐड करोगे ना आपको एक अमेजिंग ऐसा ट्रांजिशन बन के आएगा। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको अब अगला ट्रांजिशन मैं बोलूंगा वाओ ट्रांजिशन, क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट था। झुक करके आप जगह चेंज कर सकते हो और एकदम मस्त है। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल है भाई। इस ट्रांजिशन में आपको करना क्या है, तो सीधे खड़े रहना है, और सीधे खड़े होने के बाद में आपको ना एक फर्स्ट पैर आपको आगे लेना है। ओके, फर्स्ट पैर आपको आगे लेना है, सेकंड पोजिशन ऐसा रहेगा आपका। फिर आपको एक हाथ से आगे लेना है और आपको है ना कूदना है आगे की ओर एक कदम, वो आपका रहेगा नेक्स्ट ट्रांजिशन। ओके, इसको मैं बोलता हूँ वाव वाला, क्योंकि जब भी ट्रांजिशन होता है ना तो लोग है ना अच्छे से अपने वीडियो में एंगेज करके रख पाते हैं। तो अब मैं अभी आपके साथ में वाव वाला ट्रांजिशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करें, लेट्स गो। वन, सेम पोजिशन, वन टू। इसमें लोग है ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपकी वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा देख सकते हैं। इसमें क्या करने का था, आपको एक मोबाइल लेना है, आपका कोई भी स्टैंड लेना, और वहां पे आपको सेम चीज करना है। फिर वापस अपने वीडियो में आकर वहां पे एडिट करना है और दोनों के पार्ट को मिक्स करना है, तब जाके आपका बेस्ट वाह वाला ट्रांजिशन बनेगा। चलिए फिर मैं आपसे नेक्स्ट ट्रांजिशन की बात करता हूँ। उस ट्रांजिशन में मैं उसको बोलूंगा जंपिंग ट्रांजिशन, मतलब आप जंप करोगे और ट्रांजिशन हो जाएगा। तो आपको देखना है कैसे करना है। पहले तो आपको एक ऐसी प्लेस पे जाना है जहाँ आपसे थोड़ा सा ऊंचा हो, फिर आपको ना बोलते हैं ना अर्श से लेकर फर्स्ट पे आना है, तो ये वाला ट्रांजिशन होने वाला है आज के टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते, मैं पहले करके दिखाऊंगा फिर आपको बताऊंगा इसे करते कैसे। जैसा कि देख लो आप, मैं अभी बहुत ऊपर हूँ और मुझे नीचे जाना है, तो ये सिंपल ट्रांजिशन है, आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि दूसरे के घर पे खड़ा हूँ मैं। ओके, तो आपको इस पोजीशन में, ये मेरा पोजीशन है, मैं काफ़ी ऊंचा खड़ा हूँ, देख लो आप लोग, इस बंगले पे मैं खड़ा हूँ आज। अब मैं कूदने वाला हूँ, आपको मैं कूदने वाला हूँ अभी आपको। Here we go, आपने देख लिया होगा मेरा ये जंपिंग ट्रांजिशन। आपको करना है कि आपको जाना है दूसरे प्लेस पे जहाँ पे वो थोड़ा सा ऊंचा हो, फिर आपको ऊंचे का व्यू दिखाना है कि आप देखो मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। तो इस तरह से जो ट्रांजिशन होएगा ना वो अमेजिंग होगा, वो निखर के आएगा, तो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी जनता है, वो पकड़ के रखेगी आप तक, आपको है ना पूरा देखने की कोशिश करेगी आगे क्या बताने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको मेरा जो स्क्रीन शॉट आप नीचे देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि मैंने किस तरह से जंपिंग किया। तो आपको मैं आपको बताता हूँ। तो हियर वी गो, आपने देख लिया होगा मेरा प्यारा सा ये जंपिंग ट्रांजिशन। यहाँ पे आपको करना क्या है, जाना है एक ऐसी ऊंची प्लेस पर, वहाँ पे फर्स्ट आपको अपने फुट का वीडियो निकालना है। जब आपका फुट का वीडियो निकालोगे ना तो सेम पोजीशन पे दूसरे प्लेस पे जाना है। जब दूसरे प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज दोहराना है जो आपने फर्स्ट स्टेप में किया था। जब आप अपनी दोनों वीडियो को जब एडिटिंग करने आओगे तो दोनों को है ना मिडल पार्ट को बस ज्वाइन करना है और उसको है ना पेस्ट करना है, लाइक कि उसको है ना अपने व्यूअर्स के बारे में बताना है।
तो यहाँ पर आपका जंपिंग ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट ट्रांजिशन की ओर चलते हैं, वो एकदम इजी है, सिंपल है, कोई भी कर सकता है और बहुत लोग करते आए हैं। जब मेरे को पता भी नहीं था, देन आई स्टार्टेड लाइक दैट सिंपल थिंग ओनली, सो आई एम डूइंग राइट नाउ विथ यू गाइस, सो हियर वी गो। सो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अपने फिंगर को यूज कैमरा के ऊपर। यहाँ पे मैंने कैमरा को हाइड किया, हियर वी गो, लोकेशन इज चेंज। सो ये सिंपल था, ये कोई भी कर लेता है, आज की कोई भी नया यूट्यूबर, कोई टिकटॉक, कोई भी हो तो ये यूज जरूर करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इफ यू वांट टू लर्न मोर समथिंग अबाउट ट्रांजिशन, हाउ आई एम डूइंग इन माय एडिटर टूल, सो आई कैन गिव यू द सेम लाइव एग्जांपल, और आई कैन गिव यू द हाउ वी कैन एडिट आवर वीडियो इन काइनमास्टर, आई कैन गिव यू द डेमो। सो प्लीज अगर अच्छा लग रहेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ में। हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट सीजन में। तब तक के लिए बाय बाय।